अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती क्या है, इनको हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमने ये वाली जो दो कंडीशंस दी हुई है इनको हमने क्या करना है जी, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की अगर हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ से इसको जब पेयर बना के हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी प्लस थ्री इंटू डी प्लस थ्री आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक दफ़ा हमें प्लस में मिल जाएगी और एक दफ़ा हमें माइनस में मिल जाएगी। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए टी के। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी इक्वेशन का हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या आएगा हमारे पास, कुछ ये आ जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब जिसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है वो ये इसको ईजिली समझ गया होगा, उसको ये ईजिली स्टेप्स कवर हो क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी को निश्चित सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आता, यानी कि उसका जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना नहीं आता, तो उसके लिए ये थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने जनरल सॉल्यूशन फॉर लिख लिया इसका। ठीक है, इसको हम क्या दिया क्वेश्चन नंबर टू। अब आ जाता है इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के, ये आगे हमारे पास इनिशियल कंडीशन, पहले वो क्या थी हमारे पास, y ऑफ ज़ीरो इंटू इज इक्वल टू टू। अगर ये हमारे पास y ऑफ ज़ीरो ये कंडीशन है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू क्या है, टू है। अब इसी दो वैल्यूज़ को हमने इसी क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह पे ज़ीरो आ गया, y की जगह पे भी हमारे x की जगह पे क्या आ गया, ज़ीरो, और y की जगह पे क्या हमने पुट करना था, टू आ गया। ठीक है, ये देखे y था तो इधर क्या आ गया हमारे पास है, टू। सो आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमें सी वन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो सी वन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास वाई डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसमें हमारे पास देखिए एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री। अब हमें देखे चाहिए माइनस वाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पहले डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद इस यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी टू की वैल्यू मिल, तो इस तरह जो है उसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल नंबर टू है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये उसकी जो है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डी बराबर किसके आ गया, माइनस थ्री प्लस माइनस टू आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म्स का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, सो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो पहली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री। तो इसको जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से हमें जो है वो सी वन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थ्री मिल जाएगी। भाई इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन नंबर टू को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन टू देखिए अब कहाँ से निकलेगी, इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आगे हमने जस्ट जो है वो इसको इसके अंदर जो है वो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या मतलब कि इसमें ये वाली बाउंड्री इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो एक्स की वैल्यू फिर जीरो है, वाई डैश की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, ये दोनों जहाँ पे एक्स आ रहा हो वहाँ पे जीरो, जहाँ पे जैसे वाई डैश यहाँ पे आ रहा है उसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस वन आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें सी टू की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सी वन की भी और सी टू की भी, तो इसका जो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं इसकी थर्ड एग्जांपल की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो उसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, तो और हमारे पास क्या है, ये है जी इसका। ठीक है, सो रिक्वायर्ड, ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन अब हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसको जब हम सॉल्व करें तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास है, ये आता है और ये हमें दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, एक जनरल सोल्यूशन था, ये भी क्या था हमारे पास जनरल, जो कि हमने खुद फाइंड किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हमने जस्ट क्या करना है, डायरेक्ट इनिशियल बाउंड्री वैल्यू उसको पुट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाता है, ये आ गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन, ये हमारे पास जो है वो पहली इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको वन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो और वाई की वैल्यू क्या है, वन है। सो इसको जो है वो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, सी टू की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आई है, वन आ गई है। ठीक है, सो इसी तरह हमने जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी, यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास
वन है और एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई टू है, ठीक है। अब इसको हमने इस इक्वेशन के इक्वेशन वन के अंदर पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, कुछ ये वाली फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। सो इसका जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास ये बन जाएगा। कब? जब हम सी वन की वैल्यू ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में और सी टू की वैल्यू ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एग्जांपल नंबर थ्री थी इसकी। उसके बाद बात करते हैं जी इसकी एग्जांपल नंबर फोर की, यहाँ से देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसकी जो है वो दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं और ये क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन है। तो इस एग्जांपल में भी हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो फाइनेंस में इसी तरह होगा कि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ, आपने जस्ट डायरेक्ट इनिशियल बाउंड्री वैल्यूज़ को पुट करना हो सकता है, किसी में ना दिया हो तो वहाँ का पहले आप उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन में किया, बाद में उसकी इनिशियल बाउंड्री वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो ये आ गया जी उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। हमने जस्ट अब डायरेक्ट जो है वो पुट करनी है इनिशियल कंडीशन। पहली इनिशियल कंडीशन ये है हमारे पास, इसमें देखे एक्स की भी वैल्यू जीरो है, वाई की भी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर टू हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो होती है, अब इसमें वाई की वैल्यू भी वन है और एक्स की वैल्यू भी क्या है, वन है। ये जो वाई के साथ है ये एक्स की वैल्यू होती है, इक्वल में वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन वन थी, वो क्या बनेगी कुछ ये वाली फॉर्म, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। बाई सॉल्विंग इक्वेशन टू एंड थ्री, अब क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमारे पास सी टू की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ये वाली सी टू की वैल्यू। इस इक्वेशन को जो है वो हमने क्या करना, इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देना है सी टू की वैल्यू को, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन इक्वेशन नंबर वन का जो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हमने सी वन और सी टू की जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के साथ ही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को जो है वो हमने पुट करना सीखा, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि हम उनको क्वेश्चन के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी, कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।